अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग में हम लोग हजारों जाति में बटे हैं, हम लोग खुद आपस में जातिवाद करते हैं, हम वोट बैंक नहीं, हम इंसान हैं, हम लोग को अब अपने लिए खुद को तैयार करना पड़ेगा। मुझे लगता है भीम संसद जो बुलाई गई है एक अच्छे उद्देश्य के साथ बुलाई गई है, जो देश में अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक और महिलाओं के साथ जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं और जिन जिन साधनों से वो वंचित हैं, अलग अलग तरह के मुद्दे हैं, सामाजिक है, सांस्कृतिक है, आर्थिक है, और उसमें रोज़गार का मुद्दा है, एजुकेशन का मुद्दा है, कैसे आत्मनिर्भर बने, उन सारे मुद्दों पर, अलग अलग मुद्दों पर यहाँ चर्चा हो रही है कि किस तरीके से भारत को मजबूत किया जाए, जातिगत उत्पीड़न से कैसे बाहर निकाला जाए, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता कैसे समाज में तैयार की जाए, और भारत में जातियों को ख़त्म करके मानवता का और समता स्वतंत्रता बंधुता का संदेश जो जाना चाहिए वो कैसे किया जाए, उस पर भीम संसद रखी गई है हमारे कुछ साथियों के द्वारा, और उसमें लगभग पूरे देश से प्रतिनिधि आए हैं, हर मुद्दे पर डिटेल में डिस्कशन हो रहा है। ये डिस्कशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम समस्या को जानेंगे नहीं और समस्या के कारण पर चर्चा नहीं करेंगे तब तक निवारण का रास्ता नहीं बनेगा। तो ये जो आज चर्चा हो रही है इसमें से कारण पे चर्चा भी हो रही है और उससे निवारण पे भी बातचीत चल रही है, इसके जरूर अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर समाज को आगे बढ़ाने में। मेरा मिशन तो सिर्फ एक ही है कि जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर चाहते थे कि भारत में जातियाँ ख़त्म हों और भारत फिर से वही प्रबुद्ध भारत बने, वो बौद्धमय भारत बने, जहाँ सबके लिए समता स्वतंत्रता बंधुता न्याय प्रज्ञाशील करुणा मैत्री और भाईचारा हो, जहाँ से शांति और मानवता का संदेश पूरे दुनिया में गया लेकिन भारत में ख़त्म हो रहा है, वो भारत में वापस आए और भारत में सभी लोगों को समान रूप से आगे बढ़ने के अवसर बने, नफरत का वातावरण ख़त्म हो। तो ये जातियाँ ख़त्म होंगी, नफरत का वातावरण ख़त्म होगा तो भारत में प्यार पैदा होगा, एकजुटता आएगी और भारत फिर आगे बढ़ेगा। मैं सबसे पहले तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति पिछड़े वर्ग में जो फैला जातिवाद है, क्योंकि जाति की वजह से हम उत्पीड़ित हैं, हम किसी से भी बात करते हैं कि आपका उत्पीड़न क्या जाति की वजह से होता है तो सब लोग कहते हैं हाँ जाति की वजह से होता है। तो जब जाति, इसका मतलब उत्पीड़न का कारण जाति है, तो जाति अगर उत्पीड़न का कारण है तो जाति को ख़त्म कर दो, उस कारण को ख़त्म कर दो तो उत्पीड़न ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग में हम लोग हजारों जाति में बटे हैं, हम लोग खुद आपस में जातिवाद करते हैं, हम लोग खुद आपस में रोटी बेटी का रिश्ता नहीं कर रहे, तो हम लोग अगर खुद अपने बीच में फैले जातिवाद को ख़त्म नहीं करेंगे तो जातिवाद ख़त्म कैसे होगा, और जातिवाद ख़त्म नहीं होगा तो फिर जाति की वजह से होने वाला उत्पीड़न ख़त्म नहीं होगा। तो उत्पीड़न ख़त्म करने के लिए जातियों को ख़त्म करना ज़रूरी है, कठिन काम है लेकिन असंभव नहीं है। मैं पूरे देश में जाके अपने लोगों को इस बात के लिए तैयार कर रहा हूँ कि हमें जातियों को छोड़कर, बाबा साहेब का जो सपना था भारत को बौद्धमय बनाने का, जहाँ जाति के लिए कोई स्थान ना हो, उत्पीड़न के लिए कोई स्थान ना हो, अन्याय के लिए अमानवीयता के लिए कोई स्थान ना हो, जहाँ सब लोग के लिए समान अवसर हो, उस रास्ते पर हम कोशिश कर रहे हैं और हमें धीरे धीरे अच्छी सफलता मिल रही है और निश्चित तौर पर आने वाले समय में एकजुटता बढ़ेगी। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि सरकारें जानबूझकर हमारी शिक्षा को छीन रही हैं, जानबूझ के शिक्षा को प्राइवेटाइज कर रही है, और उसका सिर्फ एक ही कारण, उनको तकलीफ हो गई कि अगर ये गरीबों के दलितों के पिछड़ों के और किसानों के मजदूरों के बच्चे पढ़ लिख कर जज इंजीनियर डॉक्टर कलेक्टर साइंटिस्ट प्रोफेसर बनेंगे तो उनके यहाँ सस्ते मजदूर कहाँ से आएंगे। इसलिए जानबूझ के साजिश रच के उन्होंने एजुकेशन को महंगा किया है और प्राइवेटाइज किया है, इसको रोकना बेहद ज़रूरी है। अगर ये प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन बढ़ता चला गया तो मुझे लगता है हमारे समाज के लिए सबसे बड़ी चुनौती और एक गंभीर समस्या पैदा होने वाली है, जिसपे हमारे लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, और हमारे लोगों को अब वोट बैंक बनना बंद करना होगा। हम वोट बैंक नहीं, हम इंसान हैं, हम लोग को अब अपने लिए खुद को तैयार करना पड़ेगा, और मुझे लगता है हम लोग जा जाके अपने कॉलोनियों में, गाँव में, देहात में अपने लोगों को तैयार करेंगे, चूँकि वो लोग जिनकी संख्या कम है वो अपनी सत्ता को और संसाधनों पर कब्जे को बरकरार रखने के लिए वो RSS के रूप में खाकी कच्चा पहन के पूरे देश में अपने आप को एकजुट करके अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं, और जिनका सब कुछ छिन रहा है, जिनका लगातार उत्पीड़न हो रहा है, वो लोग बटे में वो अपने लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं, उनके घरों में नहीं जा रहे हैं। तो जो लोग मेहनत करेंगे वो आगे बढ़ेंगे, वो लोग मेहनत कर रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग भी मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पर जितने लोगों को हम जोड़ पाएंगे उतने लोग वहाँ उनके पास जाने से रुकेंगे, तो उनकी संख्या कम होगी, उनकी ताकत कम होगी, हमारी ताकत बढ़ेगी, हमारी संख्या बढ़ेगी, और हम अपनी संख्या को अपनी ताकत के रूप में तैयार कर सकते हैं।